जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था इस सरहदी सूबे को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते बताया की जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में अठारह सितम्बर पच्चीस सितम्बर और एक अक्टूबर को मतदान होंगे जम्मू कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं यहाँ के प्रमुख दल पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की बात कर रहे हैं अब चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग फिर से दोहराई है विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जनजाति एस कोटा लागू होने के बाद यह पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी के बाद निर्वाचित विधानसभा वाला तीसरा केंद्र शासित प्रदेश यूटी बन जाएगा पिछले चुनावों के बाद से जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर नब्बे हो गई है जिसमें जम्मू क्षेत्र को सात अतिरिक्त सीटों में से छह मिली हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव दिसंबर 2014 में हुए थे उस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पी ने तेयलीस सीटों में ऐसी सबसे ज्यादा अट्ठाईस सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पच्चीस सीटें मिली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पंद्रह सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस केवल बारह सीटों आरोप सिमट गयी थी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके राज्य में सरकार पिछली बार बनी थी पीडीपी बीजेपी सरकार 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया उनके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जारी रहा लेकिन दोनों पार्टियों में मतभेद के चलते यह गठबंधन सरकार जल्द ही गिर गयी और पाँच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी महबूबा मुफ्ती ने उन्नीस जून दो को इस्तीफा दे दिया राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और उसके बाद चुनाव नहीं कराए गए पाँच अगस्त को वो बड़ा फैसला हुआ जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां थम सी गईं जम्मू कश्मीर में इस समय कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन में शामिल है लेकिन राज्य में अभी क्या है राज्य में सियासी माहौल जम्मू कश्मीर में देश के तीन बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी और बसपा सक्रिय हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी हैं, जो यहाँ की राजनीति में अपना खासा दखल रखती हैं। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन की पार्टी है और वो कुछ सीटों आरोप जीतती रही है मई में हुए लोकसभा चुनाव में कुल बाईस पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे चुनाव आयोग की जानकारी के अनुसार राष्ट्र पार्टियों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में 32 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कुछ को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है क्या होगा बीजेपी का कदम बीजेपी का सारा ध्यान जम्मू रीजन की तेयलीस सीटों आरोप है और वो इस बार किसी के साथ तालमेल नहीं करेगी पार्टी को उम्मीद है की उसे लगभग पैतीस ऐसी छत्तीस सीटें यहाँ मिल सकती है कश्मीर रीजन में वो ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी जो बाद में उसके साथ आ जाएं। बीजेपी ने इस बार 40 साल से कम उम्र वाले उम्मीदवारों आरोप चुनाव खेलने का फैसला किया है साथ ही वो दूसरे दलों के अल्पसंख्यक नेताओं को भी अपने पाले में लाने में जुट गई है पीडीपी नेता और महबूबा सरकार में मंत्री रहे चौधरी जुल्फिकार अली को इस मुहिम के तहत बीजेपी में शामिल कर लिया गया है लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में दो सीटों आरोप जीत दर्ज की थी महबूबा की बेटी इल्तिजा लड़ेंगी चुनाव क्या है बाकी दलों का हाल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी लेकिन चुनाव आते आते कश्मीर की तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हो गए थे हालांकि कांग्रेस को जम्मू की दोनों सीटों आरोप इन दलों का समर्थन मिला था उस समय कांग्रेस ने कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था कांग्रेस चाहती है की विधानसभा चुनाव में वो एन और पी पी के साथ मिलकर लड़े इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाने वाले थे पर अब उनका यह दौरा रद्द हो गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों में दो यूनिट मुफ्त बिजली पानी के संकट ऐसी राहत और आर्थिक रूप ऐसी कमजोर वर्गो को हर साल बारह एल सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराना शामिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आने के एक सी दिनों के भीतर एक व्यापक नौ नौकरी पैकेज एक लाख युवाओं को नौकरियां देने और सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को भरने का वादा किया पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी केवल वही वादे कर रही है जिन्हें वह पूरा कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर घोषणा पत्र जारी कर दिया को पी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है पी ने अपनी पहली लिस्ट में कई प्रमुख नामों का ऐलान किया गया है इस चुनाव में पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद की तीसरी पीढ़ी भी डेब्यू करने जा रही है महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी इस बार चुनाव मैदान में होंगी उनको बिजबिहारा विधानसभा जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 विधानसभा सीट जिस पर चुनाव होना है आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता इस बार सत्ता किसे सौंपने जा रही है 10 साल बाद आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर की जनता के मूड के बारे में जनता के मूड में कौन सी पार्टी सबसे अच्छी साबित होती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की बात की जाए तो यहाँ आरोप छह विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चार सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर तीन विधानसभा सीट हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के बारामूला की बात की जाए तो यहाँ पर सात विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चार सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक चौदह विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को पाँच सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को दो सीट जम्मू कश्मीर के बड़गाम की बात की जाए तो यहाँ पर पाँच विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के डोडा की बात की जाए तो यहाँ पर तीन विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को, को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के गांदरबली की बात की जाए तो यहाँ पर दो विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक तेईस विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ग्यारह सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को पाँच तो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्ट जम्मू कश्मीर के जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर ग्यारह विधान सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छह सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को दो सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है डी को एक सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है पी को दो सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के कारगिल की बात की जाए तो यहाँ पर दो विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को, को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के कठुआ की बात की जाए तो यहाँ पर पांच विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चार सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक इकयालीस विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को तेईस सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को पाँच सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को आठ सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बात की जाए तो यहाँ पर दो विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को 12 सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को जीरो सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है पी को जीरो सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के कुलगाम की बात की जाए तो यहाँ पर चार विधानसभा सीट हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की बात की जाए यहां पांच तो यहाँ पर पाँच विधानसभा सीट हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को जीरो सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है पी को एक सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक पान्तर विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 29 सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को आठ सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को दस सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो जम्मू कश्मीर के लह की बात की जाए तो यहाँ आरोप दो विधानसभा सीट है तो यहाँ आरोप भारतीय जनता पार्टी को एक सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है डी को जीरो सीट आरोप जीत हासिल हो सकती है पी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के पूंछ की बात की जाए तो यहाँ पर तीन विधानसभा सीट हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी -पी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के पुलवामा की बात की जाए तो यहाँ पर चार विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चार सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक इकसठ विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 35 सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को 10 सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को 11 सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात की जाए तो यहाँ पर चार विधानसभा सीट हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के रामबन की बात की जाए तो यहाँ पर दो विधानसभा सीट हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के रियासी की बात की जाए तो यहाँ पर तीन विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक सत्तर विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को इकालीस सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को ग्यारह सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को तेरह सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के सांबा की बात की जाए तो यहाँ पर दो विधानसभा सीट हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के शोपिया की बात की जाए तो यहाँ पर दो विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर आठ विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पाँच सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक बारीवी विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पार्टी को 48 सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को 12 सीट पर जीत हासिल हो सकती है डीएपी डी को 4 सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को 16 सीट पर जीत हासिल जम्मू कश्मीर के उधमपुर की बात की जाए तो यहाँ पर तीन विधानसभा सीट है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तीन सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है पीडीपी को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को इक्यावन सीट पर जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को 15 सीट पर जीत हासिल हो सकती है डी को 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है पी को 16 सीट पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को जीरो सीट पर जीत हासिल हो सकती है